दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वीवो के मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के और बग़ैर किसी वेबसाइट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों आपने करना कुछ यूँ है कि आपको वीवो के मोबाइल में एक एप्लीकेशन दी जाती है आई मैनेजर, आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है आई मैनेजर को यानी ओपन करना है। आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, आपने इसको नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे यूज़फुल ऑप्शंस। आपने यहाँ पर आपको एक मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आपने थोड़ा नीचे ड्रैग करना है और आपको फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन में या फिर कहीं और भी दिखाई दे सकता है, आपको यहाँ पर मिल जाता है नेटवर्क स्पीड टेस्ट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं या आप इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आपने यहाँ पर स्टार्ट टेस्टिंग पर क्लिक कर देना है। आप जैसे स्टार्ट टेस्टिंग पर क्लिक करते हैं आपके साथ आप यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल रियल स्पीड होती है, यानी कि ये बिल्कुल असली स्पीड होती है जो कि आपकी इंटरनेट की आ रही होती है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर मेरी जो स्पीड मेजर हुई है वो है डाउनलोड स्पीड है 2.60 Mbps और अपलोड स्पीड है 2.54 Mbps। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।